गुरुजी गुरुमा को प्रणाम करते हुए आइए हम सब इस पवित्र गंगा घाट पे पॉजिटिव अफर्मेशंस करके अपने मन को भी पवित्र कर लें। अपने आँखों को बंद कर दोनों हाथों को फैलाते हुए पूरे भाव के साथ कहें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। फील ईच एंड एवरी वर्ड इज कमिंग फ्रॉम विद इन यू एंड सी I am happy, I am healthy, I am peaceful, I am divine, I am fearless, I am pure ananda. स्वयं को सद्गुरु जी और गुरुमा के चरणों में समर्पित करते हुए कहें, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं मुक्त हूँ। सिर से लेके पैर तक सारे शरीर को स्वस्थ और रोग मुक्त महसूस करते हुए कहें, मैं स्वस्थ हूँ। रोम रोम में एक आनंद की लहर को महसूस करते हुए कहें, मैं प्रसन्न हूँ। इस गंगा तट और गुरुजी गुरुमा के चरणों की दिव्यता को अनुभव करते हुए कहें, मैं दिव्य हूँ। पूर्ण मुक्ति का आनंद लेते हुए कहें, मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। अब अपने हाथों को नीचे कर लीजिए और जो हमने अफर्मेशंस किए हैं उन्हें पूर्ण रूप से अपने भीतर महसूस कीजिए। आपका मन कितना शांत हो चुका है। आइए अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, जिसकी प्रक्रिया में अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे एक लंबी श्वास भीतर की ओर ले, फिर राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से वही श्वास धीरे धीरे बाहर की ओर कर दें। पुनः लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भीतर की ओर ले और राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे बाहर की ओर कर दें। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र हुआ। हम ऐसे 8 से 10 चक्र करेंगे। क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल एंड एक्सहेल स्लोली थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अगेन टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल
एंड एक्सहेल स्लोली फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल. दिस कंप्लीट्स वन साइकिल ऑफ अनुलोम विलोम प्राणायाम. लेट्स डू 8 to 10 सच साइकिल्स. अनुलोम का अर्थात श्वासों को भीतर की ओर लेना है और विलोम अर्थात श्वासों को बाहर की ओर कर देना. भीतर जाती हुई श्वास इतनी लंबी और गहरी हो कि आपके फेफड़े एक गुब्बारे की तरह फूल जाए और बाहर जाती हुई श्वास आपके फेफड़ों को पूरी तरह से संकुचित कर दे. महसूस करें बाहर जाते हुए श्वास आपके शरीर से सारे नेगेटिविटी और अंधकार को दूर कर रही है और भीतर आती हुई श्वास अपने साथ एक नई ऊर्जा को लेकर सारे शरीर को प्रकाशित करते हुए आपके रोम रोम में एक आनंद की लहर फैला रही है. महसूस करें आपके श्वासों को जो एक रिदम में चल रहे हैं जिसके कारण आपका सारा शरीर एकदम हल्का रोग मुक्त और आपका मन कितना शांत हो चुका है. इस अनुलोम विलोम प्राणायाम के 8 से 10 चक्र होने के बाद अपने श्वासों को एक साधारण गति से चलने दें. ये प्राणवायु आपको परमात्मा से मिला रही है जो आपके बाहर और भीतर सारी सृष्टि में व्याप्त है. इस पूर्ण आनंद की स्थिति को आनंद लेते हुए इसे यूं ही बनाए रखते हुए आइए हम स्वयं को गुरुजी गुरु माँ के चरणों में समर्पित करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें. असतो मा सद्गमय ओ. तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय ओ.
पृथ्वी शांति जल शांति अग्नि शांति वायु शांति आकाश शांति ब्रह्मांड शांति बुद्धि शांति मनस शांति आत्मा शांति पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शांति शांति ही गुरु जी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। इस सुंदर प्रकृति का आनंद लें। प्रकृति का ये जो संगम बना है आज, ऐसे जैसे हम सभी को ध्यान करने के लिए ही इस प्रकार का इतना सुंदर संगम बना है, जहां पर एक स्थान पर इतनी दिव्य आत्माएं एकत्रित हुई हैं, वहां पर स्वयं प्रकृति भी इतनी सुंदर तरीके से सजी हुई है। इसकी शांति को अपने भीतर उतारें और ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं। अपनी हर भीतर जाती हुई श्वास पर ध्यान लगाएं और जब वह श्वास बाहर आ रही है, तब भी अपना ध्यान सांसों के साथ ही जोड़ कर रखें। और आप अपनी इस भीतर जाती हुई सांस को अपने ऊपर सिर के ओर ले जाएं और अपने मस्तिष्क में, अपने हेड रीजन में, सिर में इसे गोल गोल घूमता हुआ महसूस करें। सांसों के साथ ही अपनी अवेयरनेस भी ले जाएं और अपने सिर में गोल गोल घूमता महसूस करें। सिर के भीतर एक वाइब्रेटरी इफेक्ट को फील करें क्योंकि हम इस समय एकदम रिलैक्स्ड हैं और हमारे मन में, बुद्धि में कोई विचार नहीं है, पूर्ण शांति है, कोई कंडीशंस नहीं है, इसीलिए हमारी सांसें
एकदम एफर्टलेसली हमारे सिर में गोल घूम रही हैं। पहले यही सांसें हमारे सिर के विचारों में, कंडीशंस में उलझ जाती थी, और अब यही सांसें हमारे एकदम शांत होने के कारण हमारे सिर में गोल गोल घूम रही हैं। और अब एक श्वास भीतर की ओर ले, सिर की ओर ले जाएं, और इस प्रकार महसूस करें कि सिर के बीचों बीच से, सिर के एकदम ऊपर के बीच के स्थान से यह श्वास बाहर की ओर जा रही है। हम इनहेल अपने नॉस्ट्रिल से कर रहे हैं और हमारी सांसें एक्सहेल हमारे सिर के एकदम बीच के स्थान से बाहर जा रही हैं। यह इस प्रकार महसूस हो रहा है जैसे एक पिंजरे से एक पक्षी आजाद होता है, किस प्रकार ऊपर की ओर उड़ता है, उसी प्रकार हमारे इस शरीर के बंधन से, हमारे मेंटल बंधन से, शरीर के इस पिंजरे से हमारी सांसें ऊपर से एकदम सिर के बीच के स्थान से निकलकर एकदम मुक्त घूम रही हैं। अपनी अवेयरनेस अपनी इस प्राणवायु के साथ ही रखें। जब सांसें नासिका से भीतर जा रही हैं और जब सांसें सिर के बीचों बीच से बाहर आ रही हैं, साथ साथ अपनी अवेयरनेस रखें। ये सांसें सबसे पहले महसूस करें कि हमारे ही शरीर के गोल घूम रही हैं, एकदम चंचलता से उछलती हुई, फ्लोट करती हुई, लहराती हुई हमारी सांसें, हमारी प्राण वायु हमारे ही गोल घूम रही है। यहाँ की हवा जो बह रही है हमारी सांसें उसके साथ एक होकर बह रही है। गंगा में जो लहरें उत्पन्न हो रही हैं, महसूस करें कि आप भी अपनी सांसों के साथ उन लहरों के साथ उछल उछल कर आगे की ओर बह रही हैं। हिमालय के पर्वतों पर अपनी अवेयरनेस को ले जाएं, क्योंकि आपकी सांसें इस समय हिमालय की चोटी को छू रही हैं, एकदम ऊंचाइयों तक जा रही है। ये परमात्मा का आकाश है और इसमें एक पंछी की तरह आप अपने प्राण वायु के साथ उड़ रहे हैं। इस खुले मुक्त आकाश में अपने आप को उड़ता हुआ महसूस करें। आपको इस तरह महसूस हो रहा है कि इस घाट पर, इस क्षेत्र में जितनी भी हवा बह रही है वो सारी की सारी आपके इस सिर के बीच के स्थान से ही बाहर आई है। ये सारी हवा आप ही की प्राणवायु है, आप ही की प्राणवायु यहाँ पर हर जगह पर फैली हुई है। दूर दूर तक एक्सपेंशन में जा रही है आपकी प्राणवायु। इस एक्सपेंशन को फील करें,
इसी प्रकार आप हर जगह पर हैं, आप हर जगह पर ओमनी प्रेजेंट फील कर रहे हैं खुद को, क्योंकि आप इस प्राण वायु के साथ सारी सृष्टि में व्याप्त हैं। महसूस करें कि सारी सृष्टि में आप लहरा रहे हैं। इसी प्रकार कहीं शीतल हवा के रूप में, कहीं गर्म भाप के रूप में आप ही हैं। सृष्टि का हर एक जीव आप ही के प्राण वायु से सांस ले रहा है। ये आप ही की प्राण वायु है जो सारी सृष्टि का संचार कर रही है। अपने इस विस्तार को महसूस करें। अपनी सांसों को, इसकी अवेयरनेस को और भी विशालता में ले जाएं, ऊपर आकाश से भी ऊपर। आप हर जगह पर हैं और इन हवा के लहरों के साथ दूर दूर तक जा रहे हैं। इस मुक्त आकाश में और ऊपर की ओर जा रहे हैं और आप इसी प्रकार सारी सृष्टि में व्याप्त हैं। अपने आप को इन हवाओं के साथ, इस प्राण वायु के साथ एक होकर अपनी सारी सृष्टि का चक्र काटता हुआ महसूस करें। आप इतने विस्तार में जा चुके हैं, इतने दूर तक फैल चुके हैं कि अब आप सारी सृष्टि का चक्र काट रहे हैं। आपके चक्र के भीतर अब धीरे धीरे चांद भी आ रहा है, सूर्य आ रहे हैं और अन्य ग्रह आ रहे हैं। आप सारे सोलर सिस्टम का चक्र काट रहे हैं। आप इस प्राण वायु के रूप में सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। जहां जहां पर यह हवा है, जहां जहां पर वायु तत्व है, वहां वहां अपने आप को महसूस करें, अपनी एग्जिस्टेंस को महसूस करें। अपने इस विस्तार स्वरूप को महसूस करें। सारे ब्रह्मांड में कहीं लहरा रहे हैं, कहीं उछल रहे हैं, कहीं चंचलता से केवल फ्लोट कर रहे हैं। इस फ्लोटिंग सेंसेशन को फील करें। एकदम हल्केपन को महसूस कर रहे हैं। और अपने आप को सारे ब्रह्मांड में व्याप्त महसूस कर रहे हैं। अपनी इस एक्सपेंशन को एंजॉय करें। यही एक्सपेंशन परमात्मा का एक्सपेंशन है और आप परमात्मा के साथ एक हो चुके हैं। ये जो खुला आकाश है, खुला एक्सपेंशन है, जहां पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं, केवल आकाश तत्व है और उसमें वायु तत्व रूप से आप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं।
इस प्रकार महसूस करें। अपनी इस शक्ति को महसूस करें। आप ही ब्रह्मांड में जितने भी कार्य हो रहे हैं, आप ही के प्राणवायु से उनका संचार हो रहा है। इस प्रकार देखें, सारा ब्रह्मांड चलायमान है, तो आप ही की शक्ति से है। इसी प्रकार लहराते हुए देखें कि आप स्वयं भी आनंद ले रहे हैं और ब्रह्मांड के हर एक जीव को आनंद दे रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड का हर एक जीव आप ही के प्राणवायु भीतर ले रहा है। ध्यान दें कि हर एक जीव का शरीर अगर कार्य कर रहा है, या ब्रह्मांड में जितने भी कार्य हो रहे हैं, अगर सन भी रोटेट कर रहा है, ग्रह रिवॉल्व कर रहे हैं, सोलर सिस्टम्स अगर कार्य कर रहे हैं, सूर्य चमक रहा है, तारों को जो चमक मिली है, यह सब आप ही की शक्ति से मिली है। आप ही की शक्ति इन सब को अपनी अपनी चमक दे रही है और कार्य करने की शक्ति दे रही है। आपके एक्सपेंशन का कोई अंत नहीं। कोई बाउंड्रीज नहीं, केवल दूर दूर तक फैलना ही है। कोई भी दीवार, कोई भी सीमा आपको रोक नहीं पा रही, क्योंकि कोई सीमा है ही नहीं। सब आपके भीतर है और आपके बाहर कुछ भी नहीं। अपने आप को सर्वशक्तिमान महसूस करें। जो चंचल वायु तत्व के गुण हैं, वो सारे गुण आप महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार कि आप ही ये वायु तत्व हैं, आप ही ये हवा है, और आप ही हवा रूप से ओमनी प्रेजेंट है। पहले हम केवल जानते थे कि हम सर्वव्याप्त हैं, परंतु आज हमें इसका एहसास हो रहा है कि हम किस प्रकार ओमनी प्रेजेंट हैं, हर जगह पर व्याप्त हैं। इस एक्सपेंशन पे ध्यान लगाते हुए एक बार फिर ध्यान लगाएं अपने गोल घूमकर दूर दूर तक एक्सपेंशन पर नजर घुमाएं और अपना ध्यान केंद्रित करें अपनी सांसों पर। हमारी सांसें जो अपनी दोनों नासिकाओं से भीतर की ओर जाकर सिर के ऊपर के भाग से ऊपर ब्रह्मांड में फैल रही हैं,
अब यही प्राणवायु महसूस करें, पूरे ब्रह्मांड से इसकी डोर पकड़कर प्राणवायु की, आप वापस अपने सिर के भीतर के बीच के स्थान पर आए। सिर के बीच के स्थान पर से जो हमारे भीतर से प्राणवायु बाहर की ओर जा रही है वो एकदम बीचों बीच महसूस करें। किस प्रकार आप ही के भीतर से सारे ब्रह्मांड को ये प्राणवायु संचार हो रही है। और अपने सिर के बीच के स्थान से ही अब अपने भीतर की ओर जाएं अवेयरनेस के साथ, और अब अपने शरीर के भीतर झांके। महसूस करें कि आप क्या फील कर रहे हैं। जितना एक्सपेंशन हम ऊपर ब्रह्मांड में महसूस कर रहे थे, आप उतना ही एक्सपेंशन अपने शरीर के भीतर महसूस कर रहे हैं। हमारी जो प्राणवायु बाहर की ओर जा रही थी वो अब रिवर्स हमारे भीतर की ओर जा रही है। अपने भीतर इस गहराई को महसूस करें, इसी प्राणवायु के साथ अपने भीतर एक्सप्लोर करें। इस वायु के साथ ही आप अपने शरीर के भीतर घूम रहे हैं और इस प्रकार महसूस कर रहे हैं कि भीतर केवल वायु तत्व है। आपका शरीर अंदर से एकदम हॉलो हो चुका है और अंदर केवल वायु तत्व है, केवल प्राण वायु है। आप अपनी अवेयरनेस जितनी शरीर की गहराई में लेकर जा रहे हैं उतना आप महसूस कर रहे हैं कि अंदर कितनी वास्टनेस है। शरीर के रहते हुए भी आपको शरीर की कोई सीमा नहीं मिल रही, इतनी गहराई को महसूस कर रहे हैं आप अपने भीतर। अपने ही भीतर सृष्टि के जितनी एक्सपेंशन को फील करें, और अपने ही अंदर पूरे ब्रह्मांड के जितनी एक्सपेंशन को महसूस करें। हम जो श्वास ले रहे हैं वो भीतर की ओर जा रही है और भीतर ही ये गोल घूम रही है सारे शरीर में। और इसी प्रकार आपकी अंतर सांसें चल रही हैं। आपकी अंतर सांसें इस प्रकार चल रही हैं कि जितना भी शरीर के अंदर एक्सपेंशन है सारे शरीर के अंदर आप इन सांसों के साथ गोल गोल घूम रहे हैं। इस परमात्मा की प्राणवायु के साथ एक होकर शरीर के भीतर के ब्रह्मांड के अंदर आप घूम रहे हैं और अपनी इस एक्सपेंशन को महसूस कर रहे हैं। ना शरीर के बाहर आपके एक्सपेंशन की कोई सीमा थी,
ना शरीर के भीतर आपको कोई सीमा का एहसास हो रहा है। अपने सारे शरीर में जो हमारी प्राण वायु घूम रही है, उस प्राण वायु को वाइब्रेशन के रूप में महसूस करें। हमारे सिर में, गले में, छाती में, दोनों बाजुओं में, हाथों की हथेलियों में, पेट में और दोनों पैरों में केवल वाइब्रेशंस को महसूस कर रहे हैं और तेज लहरों को महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार की तेज लहरें गंगा की हैं, उसी प्रकार की तेज लहरें सिर से लेकर पैर तक वायु की हैं। इस प्राण वायु की लहरों को महसूस करें। और इस आनंद की स्थिति को इसी प्रकार यथावत रखें। इसी प्रकार एंजॉय करें अपने हर श्वास को भीतर जाते हुए और भीतर जाकर भीतर के ब्रह्मांड में फैलते हुए। जिस प्रकार बाहर कितने ही ब्रह्मांड हैं, देखने का प्रयास करें कि हमारे भीतर भी कितने ब्रह्मांड हैं। अनगिनत ब्रह्मांड जितने हमारे भीतर का एक्सपेंशन। इस प्रकार के एक्सपेंशन में जहां पर केवल वायु तत्व है, प्राण वायु है, वहां पर किसी भी प्रकार की कंडीशंस, नेगेटिविटी रह ही नहीं सकती। बहुत सारी की सारी इसी एक्सपेंशन में मर्ज होकर खत्म हो जाती है। तो अपने भीतर शुद्धता को महसूस करें, अपने भीतर के चित्त को एकदम निर्मल हुआ हुआ महसूस करें और हवा के जितना ही हल्केपन को अपने भीतर महसूस करें। एकदम हल्का शरीर, भीतर ब्रह्मांड और बाहर ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड में फ्लोट होता हुआ हमारा ये शरीर का केवल आकार। इस स्थिति को एंजॉय करें, अपनी ओमनी प्रेजेंस को एंजॉय करें। क्योंकि यही आपका ट्रू नेचर है, ट्रू आइडेंटिटी है। जिस प्रकार की लहरें हवा की यहाँ घाट पर बह रही हैं, उसी प्रकार की लहरें हमारे भीतर बह रही हैं, उतनी ही शीतल लहरें। अपने भीतर बह रही शीतल लहरों को महसूस करें। भीतर का ब्रह्मांड बाहर के ब्रह्मांड से एक हो चुका है और इसलिए इस प्रकृति के साथ अपनी एकता को महसूस करें और अपने विशाल स्थिति को एंजॉय करें। दो से तीन बार लंबी और गहरी श्वास लें
बाहर के प्राणवायु को भीतर के प्राणवायु से मिलता हुआ महसूस करें और हर बाहर जाती श्वास के साथ भीतर के प्राणवायु को बाहर के प्राणवायु से मिलता हुआ महसूस करें और अपने शरीर के आकार का आभास करें। ये शरीर का आकार जो भीतर से एकदम खाली है और केवल एक चोले के रूप में ये शरीर जो यहाँ पर बैठा हुआ है, उस आकार को महसूस करें सिर से लेकर पैर तक। शरीर को धीरे धीरे ढीला छोड़ें। अपनी गर्दन को रिलैक्स करें, कंधों को ढीला छोड़ दें, अपने पैरों को रिलैक्स करें और अपना ध्यान हमेशा अपने भीतर के एक्सपेंशन पर लगाते हुए इस समय भी अपने अंदर की गहराई को महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में मले, अपनी आंखों के ऊपर रखें और धीरे धीरे भीतर के ब्रह्मांड से अब बाहर के ब्रह्मांड को धीरे धीरे आंखें खोलकर देखने का प्रयास करें और दर्शन करें गुरु जी गुरु माँ के, जो इस सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं, जिन्होंने आज हमें अपनी स्थिति का आभास कराया। उनके दर्शन करें और उनको ग्रैटिट्यूड ऑफर करें। सारी सृष्टि की उत्पत्ति प्राण शक्ति से होती है, लाइफ फोर्स। धरती, चंद्रमा, सूर्य, पेड़, पहाड़, नदी, जीवात्माएं, शरीर, सब प्राणवायु की शक्ति से ही उत्पत्ति होती है। और हम जो प्राण वायु श्वास के साथ भीतर लेते हैं, वो और किसी का प्राण वायु बाहर छोड़ा हुआ है, और हम जब हमारा प्राण वायु बाहर छोड़ते हैं तो और कोई प्राण वायु उसे भीतर लेता है। इस प्रकार से हम सब कनेक्टेड हैं, हम सब जुड़े हुए हैं, सारी सृष्टि जुड़ी हुई है, सारे जीव जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, क्योंकि निरंतर हमारे प्राण वायु अंदर और बाहर आती जाती रहती है। हम पेड़ पौधों से जुड़े हुए हैं, मनुष्यों से जुड़े हुए हैं, जानवरों से जुड़े हुए हैं, पक्षियों से जुड़े हुए हैं। इस प्राण वायु के द्वारा सृष्टि का ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। और हमारी ही प्राणवायु से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उसी प्राणवायु से सृष्टि का संचालन होता है। इस प्राणवायु पर ही अपना ध्यान टिकाएं, क्योंकि हमारा अस्तित्व ये प्राणवायु ही है। हमारा अस्तित्व शरीर नहीं, प्राण ही है। अपने इस प्राण पर सदा ध्यान रखें, प्राण के द्वारा सभी से जुड़े हुए रहें, प्राण के द्वारा ही आत्मा और परमात्मा का संपर्क बनाए रखें। प्राणवायु में ही पूर्ण आनंद है, सुख है, शांति है। हम सृष्टि के सारे जीवों के लिए यही सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। कल्पना करें कि सारी सृष्टि के जीव जंतु सुख शांति और आनंद में स्थित हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा
पूर्ण मुदच्यते पूर्णश पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति 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 ही। हरि ओम तत्सत।